हाय, वेलकम टू पैशन ऑफ कुकिंग में. एज मैंने इंस्टा पे आप लोगों से पूछा था कि विच रेसिपी आप नेक्स्ट देखना पसंद करोगे, सो बहुत सारे लोगों ने वोट किया मोमोज चटनी के लिए. तो आज मैं जिस वीडियो के साथ आई हूँ वो मैं बनाऊंगी आज मोमोज चटनी. ये जैसे हमको बाहर मोमोज के साथ मिलती है ये वैसा ही टेस्ट करेगी. बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत टैंगी है और आप चाहे तो ज्यादा स्पाइसी बना सकते हो और थोड़ा नॉन स्पाइसी भी. तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं. मुझे चाहिए अदरक, ये मैंने हाफ अदरक ली है, थोड़ा सा जीरा, नमक, तेल, लहसुन या गार्लिक, ये है लाल मिर्ची. ये जो लाल मिर्ची ली है मैंने ये लंबी वाली ली है, अगर आप चाहिए तो कस्तूरी जो मोटी वाली होती है वो भी ले सकते हैं. और उसके साथ चाहिए आपको दो टमाटर. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं एक पैन में पानी ले लूंगी. उस पैन में मैं ये टमाटर और मिर्ची को बॉईल कर लूंगी. तो सबसे पहले हम इस पैन में पानी को ऑन कर लेते, पानी को गर्म करके अब मैं इसमें ये मिर्ची जो मैं इनको बॉईल करनी है वो, और ये टमाटर इनको मैं अच्छे से बॉईल कर लूंगी. आपको इस टमाटर को इतना बॉईल करना है कि इसका जो ऊपर का शेल है वो निकल जाए. तो अब मैं इस टमाटर और मिर्ची को अराउंड 10 to 8 मिनट्स के बीच में बॉईल कर लूंगी. उतना ही बॉईल कीजिए जितना इसमें टमाटर के ऊपर का जो कवर है वो बाहर आ जाए. इसको बॉईल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कच्चे टमाटर का बनाते हो वो आप ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, पर अगर आप थोड़ा बॉइल्ड करके ऑयल के साथ बनाओगे तो यू कैन स्टोर दिस मोमो चटनी. ये मैं थोड़ा मीडियम स्पाइसी बना रही हूँ, सो दैट अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनको स्पाइसी नहीं पसंद है वो भी बहुत इंजॉय करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोमोज बनाना भी सिखाऊंगी, इट विल बी इन माय नेक्स्ट लिस्ट. तो आज जो बना रहे हैं ये चटनी बना रहे हैं. तो अब ये देखेंगे बॉइल्ड हो रहा है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी. तो अब मैं क्या करूंगी, एक बर्तन में ये जो टमाटर और मिर्ची अच्छे से उबल गई है, तो मैंने ना इस टमाटर को एक्चुअली में कट कर लिया था, तो आप देखेंगे तो इसके ऊपर से इसका जो कवर है वो बाहर आ रहा है. मुझे इसको 10 मिनट्स लगे बॉईल करने के लिए. अब मैं क्या करूंगी, इसको स्ट्रेन कर लूंगी और इसका जो पानी उबला हुआ है थोड़ा रख लीजिएगा साइड में, क्योंकि अगर आप चटनी थिक होती है तो आप उसमें उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो उसको थोड़ा थिन करने के लिए. तो मैंने अब स्ट्रेन कर लिया और इस मिर्ची का अब मैं ये तोड़ लूंगी जो इसकी डंडियां हैं. ये जो मैंने मिर्ची इस्तेमाल की है ये बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, पर आप चाहिए तो कस्तूरी वाली या थोड़ी स्पाइसी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो एज पर योर टेस्ट. अब ये थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी. तो देखेंगे तो ये अच्छे से हो गया, ये इसका पानी है, ये मैं साइड में रख लूंगी. और आप मिक्सर ले लीजिए और अब मैं इसमें ये टमाटर को मैं पीस लूंगी. तो अब मैंने इस मिक्सर को मिक्सी में पीस लिया है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ये रॉ है, आप ऐसा खा सकते हो, लेकिन एक अगर आपको बाहर जैसा टेस्ट चाहिए तो आपको हम इसमें नेक्स्ट करेंगे. इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, इन फील इसका पेस्ट कुछ ऐसा है, तो मुझे एडिशनल पानी डालने की जरूरत नहीं है. अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो अब हम एक पैन ले लेंगे, इस पैन को ऑन करके इसको आप मीडियम उस पर रख लीजिए और ये जो मैंने तेल लिया है अब इसको डाल दीजिए. इस तेल को गर्म होने के बाद सबसे पहला काम मैं जो करूंगी, क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए अदरक और लहसुन नहीं डाला जो कि इसका बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप इस अदरक को भी बारीक कट कर लीजिए. मैंने बारीक कट नहीं किया पर मैं इसको बारीक कट कर लेती हूँ. तो अब ये तेल गरम हो गया है, ठीक है, मैं इसमें सबसे पहला काम जो है मैं जीरा डाल देती हूँ. आप जीरा स्किप कर सकते हो पर मैं डाल रही हूँ कि सो दैट द टेस्ट गेट एनहांस. और अब नेक्स्ट जो कर रही हूँ मैं वो अदरक,
आपको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, सॉटे टाइप करना है। और फिर ये लहसुन, थोड़ा सा हम पका लेंगे। तेल आप उतना, मैंने जो तेल डाला वो बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि मैंने ये 2 से 3 टमाटर की चटनी बनाई है। आप जितना क्वांटिटी आप बनाओगे आप उसके हिसाब से तेल ऐड कर लो। ये थोड़ा सॉटे हो गया है जैसा मुझे चाहिए। अब मैं इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हो गया है, तो आप चाहिए तो आप इंडक्शन को बंद कर सकते हो। मैं इंडक्शन को बंद कर देती हूँ और गोल्डन साइड इसमें जो थोड़ा सा लगा हुआ है जो मैंने पानी सेव करके रखा था, मैं इसको इसमें डाल के डाल लेती हूँ। एंड द मोस्ट लास्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज सॉल्ट, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। दिस चटनी कैन आप आराम से स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, जब भी खानी हो आप बाहर निकाल लीजिए। एंड ये एग्जैक्टली बाहर जैसी बनी है। अगर आपको कम स्पाइसी करनी है सो रिड्यूस मिर्ची, और अगर आपको थोड़ी ज्यादा स्पाइसी करनी है तो आप, क्योंकि मैं लहसुन थोड़े बड़े काटे थे आपको दिख रहे होंगे, बट आप चाहिए तो उसको ग्रेट भी कर सकते हो। एंड जस्ट सिमर इट फॉर 5 to 6 मिनट। तो अब ये मैं इसको सिर्फ 5-6 मिनट तक ही पकाऊंगी। तो जो पानी ऐड किया है, इस पानी का थोड़ा टमाटर वो इनहेंस हो जाए। तो अब ये मैंने अच्छे से पका लिया, अब मैं इंडक्शन ऑफ कर देती हूँ और अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूंगी। चटनी बाहर जैसी एकदम तैयार है, इसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे बाहर की चटनी में होता है, टैंगी ट्विस्ट। अगर आप चाहिए तो थोड़ा सा इसमें पुदीना और धनिया ऐड कर सकते हो एज पर योर टेस्ट, पर जो बाहर की चटनी मिलती है मोमो सेंटर में उनमें पुदीना और पुदीना नहीं होता है, बट अगर आप घर में बना रहे हो यू कैन ऑब्वियसली एड पुदीना एंड थोड़ी सी मिंट कोरिएंडर, और एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब माई चैनल पैशन ऑफ कुकिंग बाय माया में, नेक्स्ट रेसिपी विल बी कमिंग सून। और कल मैंने मैंगो की, रॉ मैंगो की चटनी डाली विच इज रियली ऑसम, ट्राई दैट, ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में लीजिए एनी इंक्वायरी या फिर क्वेश्चन होते हैं आपको पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन समथिंग स्वीट।